Ring rong 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 ring. बाबूजी पहले आगे बाबूजी बाबूजी विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर बाबूजी मानसी जी हैप्पी न्यू ईयर आपको भी जी हैप्पी न्यू ईयर भाभी हैप्पी न्यू ईयर भैया हैप्पी न्यू ईयर अजय हैप्पी न्यू ईयर बाबूजी हैप्पी न्यू ईयर मासी मासी चोरी हो गई हमारे घर में चोरी हो गई चोरी हो गई चोरी किस चीज की चोरी हो गई अरे चॉकलेट्स की चॉकलेट चोरी हो गई हाँ अभी मैंने जाकर देखा तो फ्रिज में एक भी चॉकलेट नहीं बची है हाँ क्योंकि मैंने चॉकलेट्स वहाँ से उठा के कहीं और रख दी थी तुम्हें कैसे पता चला चॉकलेट्स की चोरी हो गई वो मैं एक चॉकलेट लेने गया था तब देखा गलत बात ना बंटी मैंने अभी तुम्हें एक चॉकलेट दी थी ना वो तो कल की बात है मौसी आज नहीं नहीं बंटी आज दी थी तुम झूठ बोल रहे हो झूठ बोलना बुरी बात है सॉरी मासी सॉरी और कुछ नहीं आज न्यू ईयर है ना तो तुम्हें ये रेजोल्यूशन लेना होगा कि तुम कभी झूठ नहीं बोलोगे रेजोल्यूशन मतलब ये कि हम अपने आप से जो प्रॉमिसेस करते हैं ना हम उन्हें पूरा करेंगे ओके मासी आज से मैं ये रेजोल्यूशन लेता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा गुड अब तो एक चॉकलेट दे दो प्लीज बंटी चॉकलेट खाना ना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है क्यों वो गोगो और बिंदु आंटी तो पूरा दिन चॉकलेट खाते रहते हैं तो देखो ना इसलिए दोनों कितने मोटे हैं स्कूल बस आ गई बैग कहाँ अरे बैग मुझे नहीं पता जाके लेके आओ जल्दी जाओ हे भगवान वाह भाभी मैं आपकी बातों से बहुत इंस्पायर हो गया हूँ मेरा ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि इस साल मैं डायरेक्टर बन ही जाऊंगा ऑल द बेस्ट थैंक यू भाभी सुनिए अब आप कोई रेजोल्यूशन नहीं लेंगे नहीं ना तो मैं चॉकलेट खाता हूँ ना ही मैं फिल्म बनाता हूँ ना कहीं आता हूँ ना कहीं जाता हूँ मैं रेजोल्यूशन क्यों खाता हूँ भैया बस यही तो प्रॉब्लम है वैसे पर्सनैलिटी आपकी भी किसी हीरो से कम नहीं है लेकिन आप मेरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं है आप में अगर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए ना तो भैया आप क्या नहीं कर सकते क्या नहीं कर सकता भैया आप क्या नहीं कर सकते सच अजय यू राइट सुनिए आपको ये रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा कि आप जो भी डिसीजंस लेंगे ना खुद लेंगे और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लेंगे ठीक है मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये है कि मैं आज से सारे डिसीजन खुद लूंगा और कॉन्फिडेंटली लूंगा यस लेकिन लेकिन मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि कौन सा डिसीजन लूंगा सही लूंगा या गलत लूंगा अगर गलत लूंगा तो सही कौन लेगा डिसीजन और अगर मैं सही लूंगा तो गलत डिसीजन कौन लेगा भैया नाश्ता तो आपने पैक कर ही लिया तो आप प्लीज डिसाइड करके ऑफिस चले जाइए आराम से जाना हाँ आराम से नहीं माँ जी का कमरा ठीक करना तो भूल ही गई इससे पहले कि वो योगा क्लासेस से वापस आए मुझे उनका कमरा ठीक करना चाहिए ताकि वो न्यू ईयर पे हैप्पी हैप्पी रहें ठीक है रिंग रॉन्ग रिंग माँ जी का कमरा ठीक हो जाए रिंग रॉन्ग रिंग नहीं चंदर ये कमरा ठीक हो गया बाबूजी हैप्पी न्यू ईयर बाबूजी हैप्पी न्यू ईयर बाबूजी बाबूजी आप ऐसे रियल में कैसे हाँ रियल में यकीन नहीं हो रहा ये रिक पकौड़े खा रहा हूँ अच्छा चुके दे ठीक है अरे आप तो रियल में लेकिन बेटा सिर्फ तू ही मुझे देख सकती है और छू सकती है और कोई नहीं है जी बाबूजी प्रणाम जी जी रे बेटा जी रे अब लेकिन मैं आपसे नाराज हूँ क्यों भाई बाबूजी आप मुझसे हमेशा यूं फुल साइज में मिलने क्यों नहीं आते हो छोटे छोटे साइज में क्यों आते हो बेटा एक तरीका होता है हमारा कभी हम लोग फुल साइज कभी पॉकेट साइज होता है लेकिन आप मुझसे 5-6 दिन के बाद मिलने क्यों आए
वो क्या बताऊं बेटा, आजकल मैं वो आप बहुत बिजी हैं। नहीं नहीं खाली हूँ बिल्कुल। अरे बेटा वो मेरा दोस्त नहीं है, वो सफेद दाढ़ी वाला, वो सांता, क्या नाम है उसका, सांता क्लॉज। सांता क्लॉज वो मुझे क्रिसमस वाले दिन घुमाने ले गया, बोला अपने बच्चों को गिफ्ट वगैरह बांटने, तो रात भर घूमते रहे, खाते रहे, पीते रहे। उसके बाद इतना थक गया कि आके सो गया। जब उठा तो क्या देखता हूँ कि न्यू ईयर हो चुका है। मैंने कहा चलो सबसे पहले चल के अपनी बहू को हैप्पी न्यू ईयर विश करके आऊं। थैंक यू बाबूजी। और हाँ बाबूजी, आपको ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेना होगा कि आप मुझसे रोज मिलने आएंगे। बेटा मैं कोई अखबार थोड़ी हूँ कि रोज रोज मिलने आऊंगा। हाँ लेकिन इतना जरूर बोलता हूँ कि जल्दी जल्दी मिलने आऊंगा। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बता कि नए साल में तेरा क्या रेजोल्यूशन है? बाबूजी मेरा इस साल का ये रेजोल्यूशन है कि अंगूठी के जादू से अपनी फैमिली के अलावा मैं सबकी मदद कर सकूं। वाह वाह बड़ा नेक ख्याल है, दूसरों की हेल्प तो करनी ही चाहिए। जी लेकिन अपनी पागल फैमिली के लिए क्या करने वाली है तू? मैं रिंग रॉन्ग रिंग, मेरी फैमिली के जो भी रेजोल्यूशन है वो पूरे हो जाए। रिंग रॉन्ग रिंग। कैसे सर? खुश रहा है, खुश रहा है। विजय रिसेप्शन पे तुमसे कोई मिलने आया है? हाँ मैं भी आया। हाँ, तो छूना मत। वहाँ तो कोई भी नहीं है। ओहो, चला गया होगा। मेरे कंप्यूटर के साथ क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं यार, तुम्हारे आईडी से बॉस को एक ग्रीटिंग भेजा है। बॉस का हैप्पी बर्थडे है क्या? मिल गया रिएक्शन। बॉस आ गए। विजय, विजय, सॉरी सर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा मेल भेजने की? सर मैंने नहीं किया सर, इसने। सर एक्चुअली ये एनर्जी टेबलेट के प्रोजेक्ट का हेड बनना चाहता है, उसी के बारे में लिखा होगा। राज, तुम जानते हो उसने मुझे इस मेल में क्या लिखा है? आई डोंट नो सर। बेवकूफ मिस्टर विजय, आप अपनी लिमिट क्रॉस करते चले जा रहे हैं। सर ठीक से मैं रोड क्रॉस नहीं कर सकता, लिमिट कैसे क्रॉस करूंगा सर? मेल तो इन्होंने। गलत बात है विजय, बिल्कुल गलत बात है। बॉस हमारे पिता समान हैं। इतना भी बड़ा नहीं हूँ मैं। सर मेरा मतलब है आप अन्नदाता हैं। और इनकी बेइज्जती करने की तुमने हिम्मत कैसे की? मिस्टर विजय इधर देखिए और ध्यान से सुनिए। ध्यान से आप मेरी बात सुनिए। मैंने वो ईमेल आपको इसलिए भेजा था ताकि मैं आपका रिएक्शन देख सकूं, और आपने मुझे इंस्टेंट रिएक्शन दिया। जो हम एड कैंपेन करने जा रहे हैं वो जरा डिफरेंट हो, अलग हो, जरा हटके, ताकि कस्टमर इंस्टेंट रिएक्ट करे जैसे आपने किया। हेलो हेलो हेलो, वो सारी तैयारियां मैंने कर रखी हैं सर, मेरी पूरी रिपोर्ट तैयार है। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर न्यूज़पेपर में एड्स, और उसके बाद पूरे शहर में बड़े 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 होर्डिंग्स। मिस्टर राज, हमारी कंपनी सालों से यही तो करती आ रही है, इसमें डिफरेंट क्या है? नथिंग, जस्ट नथिंग। By the way, Mr. Raj, हमारे ऑफिस के बैंक ऑपोजिट जो रोड है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा होर्डिंग लगा है। क्या आपको पता है उस होर्डिंग पे क्या लिखा है? हाँ, वो है ना, वो क्या कहते हैं वो सर, वो कुछ खाने खाने की चीज़। आपको नहीं पता? देखा सर, ये खुद होर्डिंग नहीं पढ़ते लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो पब्लिक है वो इनके होर्डिंग पढ़े। By the way, आप सब लोग अखबार तो पढ़ते होंगे। अखबार में हजारों एड्स आते हैं, तो क्या आप सब लोग वो खरीद लेते हैं? राइट देखा सर, आप कितने एड्स ऐसे होते हैं जो हम पढ़ते भी नहीं, बिकॉज दे आर नॉर्मल एंड दे आर बोरिंग। लेकिन मेरा मेल मिलते ही आप दौड़े चले आए, बिकॉज माई मेल वॉज शॉकिंगली डिफरेंट। ये मेरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, लोगों से अलग, भीड़ में नहीं, समथिंग डिफरेंट। आजकल के कॉम्पिटिशन के जमाने में सिंगल ट्रैक पर सिर्फ ट्रेन चल सकती है सर, नथिंग एल्स, वी हैव टू मल्टी ट्रैक। लोगों ने एक बार ताजमहल देख लिया है, दूसरा क्यों देखेंगे? There are no reasons. आज मार्केट में हजारों एनर्जी टैबलेट्स, लोग हमारी एनर्जी टैबलेट्स क्यों खरीदेंगे? There are no reason. लेकिन हम उन्हें खरीदवाएंगे, बिकॉज वी आर गोल ओरिएंटेड, वी आर मोटिवेटेड एंड वी आर फोकस्ड। फोकस्ड राइट, दैट्स ऑल सर। क्लैप प्लीज। थैंक यू मिस्टर विजय दीनानाथ चौहान। That's right, sir. आज से तुम इस एड कैंपेन के हेड होंगे। सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी। सर राज ने इस कैंपेन पे बहुत मेहनत की है।
थैंक यू मैं चाहता हूँ कि आप इनको मेरा असिस्टेंट बना दें ताकि ये मुझसे कुछ सीख सके. लर्निंग नेवर स्टॉप्स. आज आप मिस्टर विजय को असिस्ट करेंगे और जैसा भी ये कहेंगे वैसा ही आप करेंगे. ओके मिस्टर विजय, तुम जरा मेरे केबिन में आना, वो कुछ इंक्रीमेंट के बारे में बात करेंगे. ऑलराइट सर, आप चलिए सर, मैं आता हूँ. विजय, ये तुमने अच्छा नहीं किया. अगर अच्छा ना करता तो हेड ना बनता. अब तुम भी अच्छे बनो और जाओ, मेरे लिए कॉफी लेके आओ. व्हाट? मैं कॉफी लेके आऊं तुम्हारे लिए? तुम्हारा नौकर हूं क्या? नौकर घर में होते हैं, ऑफिस में तुम जैसे असिस्टेंट नौकर होते हैं. अब जल्दी से कॉफी ले आओ, वरना अगर मैं बॉस के कैबिन में चला गया तो तुम्हें दो कॉफी लानी पड़ेगी. क्या लिख रहा है? कुछ लाऊं सर? मुझे चमचे पसंद नहीं है. चल कट, निकल, हथली गले पकड़. अरे आंटी, आप कहाँ जा रही हैं? मुझे जरा मंदिर जाना है. सुहासनी आंटी, आई मस्ट से, मेरी पूरी क्लास में एक आप ही हैं जो सबसे अच्छा योगा करती हैं. सियापति रामचंद्र की जय. अब इस उम्र में योगा ही तो होगा ना, बक्का बक्का तो मैं कर नहीं सकती. आप चाहे तो क्या नहीं कर सकती, यू आर अ स्ट्रॉन्ग लेडी. योगिता मैम, एरोबिक क्लास में सब आपका वेट कर रहे हैं. तुम चलो, मैं आती हूँ. जी आंटी, आप एरोबिक्स क्लास क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? एरोबिक्स आप कर ही सकती हैं. अब इस पुराने रेडियो में विविध भारती तो बजेगा ना, एफएम रेडियो थोड़ी बज जाएगा. तुम भी ना कहाँ इस बुड्ढी को गुड्डी बनाने के चक्कर में पड़ी हो. आंटी, आपके मुंह से ना ये एज वाली बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं. प्लीज न्यू ईयर पे एक रेजोल्यूशन कर लीजिए कि आज से आप अपने आप को यंग समझेंगी. ठीक है, आज से मैं अपने आप को यंग समझूंगी. ठीक है, ओके बाय. Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अरे ये म्यूजिक किसने ऑफ किया? मैंने. सुहासिनी आंटी आप? No, योग्स. सुहासिनी आंटी नहीं, just call me सुश. But आप यहाँ? अरे तुमने ही तो मुझे कहा that I can also do aerobics, तो मैंने सोचा why not, मैं भी aerobics करती हूँ. So come on, let's rock. Music. 5, 6, 7. 1, 2, 3. Inhale, exhale. 5, 6, 7, 8. Kick. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Woo! 1, 2, 3, 4, 5. Change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. इस साल किसी भी कीमत पर एक अच्छी स्क्रिप्ट तैयार कर ही लूंगा. बस मुझे एक बार वो सब्जेक्ट मिल जाए. सामाजिक विज्ञान या गणित, भौतिक शास्त्र या जीव विज्ञान. अजय, यू आर सो फनी. अजय, अपने आप से मजाक मत कर, सीरियसली सोच, सीरियसली सोच. अजय, थोड़ा लेफ्ट देखिए, लेफ्ट. वाह, नाइस. तुम ऐसे क्या देख रहे हो? भाभी, सब्जेक्ट देख रहा हूँ. सब्जेक्ट? सब्जेक्ट? हाँ भाभी, पता नहीं मैंने आपको आज से गौर से क्यों नहीं देखा. इतनी ब्यूटी, इनोसेंस, ग्रेस मेरे पड़ोस में थी और मुझे पता ही नहीं. अगर मैं आपको अपनी फिल्म की हीरोइन बना लूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा प्रमिला भाभी? क्या कहा, क्या कहा? प्रमिला भाभी, तुम्हें पता है ये बात सुनने के लिए मैं कब से वेट कर रही थी और तुमने ये बात मुझे आज बोली. आई थिंक मुझसे गलती हुई है भाभी, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधार रहा हूँ. तुम्हें पता है अजय, शादी के पहले मैं मिस शोलापुर की शोला थी. हाँ? मैं हमेशा ये सोचती थी कि कोई तो सोचे कि मैं एक अच्छी हीरोइन बन सकती हूँ, मगर किसी ने नहीं सोचा.
मगर आज इतने सालों बाद मेरे ही पड़ोसी ने ये सोचा कि मैं उसकी सोच बन सकती हूँ, मेरा मतलब है हीरोइन बन सकती हूँ। तुमने तो मेरा हैप्पी न्यू ईयर कर दिया। वाओ ए देवा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तुम इसकी बातों का यकीन करती हो? अरे ये एक नंबर का निकम्मा बेकारा आवारा भूगोल गोल गवाह है मिस्टर आनंद कि हर क्रिएटिव आदमी को पहले इन्हीं नामों से पुकारा गया है। अरे भूगोल गवाह नहीं होता, इतिहास गवाह होता है। तुम चले नहीं गए थे? इतने सालों बाद मुझे कुछ करने को मिला है, तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो। जरा सुनिए ना, तुम एक बड़ी हीरोइन के पति कहलाओगे, मैं अच्छा नहीं लगेगा? बोलो ना, बोलो ना। अनंत भाई साहब और प्रमिला भाभी में कुछ तो खिचड़ी पक रही है। मानसी, रिंग रॉन्ग रिंग, अनंत भाई साहब की विश पूरी हो जाए। रिंग रॉन्ग रिंग। बोलो ना। एक मिनट मिस्टर अनंत, आप मेरी हीरोइन को इस तरह से नहीं ले जा सकते। मिस्टर अनंत, ये तुम्हारी हीरोइन बनने से पहले मेरी बाइको है। बाइको? पत्नी है, पत्नी, बीवी, बीवी है मेरी। अरे बीवी को अब टीवी पर देखने की आदत डाल लो। अरे अपने आप को किस्मत वाला समझिए, आपको न्यू ईयर गिफ्ट दे रहा हूँ, आपकी बीवी को हीरोइन बना रहा हूँ। मैं भी तुम्हें न्यू ईयर का गिफ्ट देता हूँ, तुम्हारे सर पे इतना बड़ा नारियल गिरे कि तुम्हारी अक्कल ठिकाने पे आ जाए। प्रमिला, प्रमिला, चलो, 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 मैं आती हूँ बाद में, बाय। भाभी मैं इंतजार करूंगा। भाभी, ये मिस्टर अनंत कुछ भी बोलते हैं, तेरे सर पर बड़ा सा नारियल गिरे। अरे कहाँ से गिरेगा नारियल, यहाँ तो नारियल का पेड़ भी नहीं है। भगवान, तेरा खेल है न्यारा, बंदर के कहने पे नारियल दे मारा। मानसी, मानसी। जी भाभी। मानसी, भाभी आप इतने गुस्से में क्यों लग रही हैं? मैं लग नहीं रही हूँ, मैं गुस्से में हूँ। तुमने बंटी से क्या कहा? मैं बहुत सारी चॉकलेट्स खा रही हूँ इसलिए मोटी हो गई हूँ। भाभी वो तो बहू, तेरी विश पूरी हो गई, बंटी सच बोलने लग गया। ये मानसी मेरे सर पे क्या देख रही है, सींग हो गए क्या? अरे भगवान, पर नहीं। भाभी आपको जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। भाभी बंटी से मैंने तो कुछ भी ऐसा नहीं कहा। तुमने ऐसा कहा है, और जब से मैंने ये बात सुनी है ना, मेरा सर घूमने लगा है। कैसे घूमा तेरा सर? ऐसे। पाउची। पाउची। रुकिए। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा था? मानसी, मेरा पूरा सर घूम रहा था। ओ, चक्कर आ रहा है मुझे। भाभी, अभी तो आपने कहा ना कि बंटी की वजह से आपका सर घूम रहा था, है ना? नहीं मानसी, अभी ऐसे 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 घूम रहा था। ओ, भाभी आपने कितनी देर पहले चॉकलेट्स खाई थी? ओ, ओ, 3 मिनट 50 सेकंड पहले। ओ, इसीलिए। भाभी आपका शुगर लो हो रहा है। भाभी आपको चॉकलेट्स खानी चाहिए, मैं आपके लिए चॉकलेट्स लेके आती हूँ। ओके, एक मिनट मानसी। हाँ? वो सस्ती वाली चॉकलेट्स मत लाना, हाँ थोड़ी महंगी वाली, लो कैल वाली चॉकलेट्स लाना, मैं वही खाती हूँ। जी। हे गर्ल्स, हे गर्ल्स, व्हाट्स अप? ऑल कूल ना? ओह माय गॉड। सियापति रामचंद्र की जय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।